देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है या 11, 12 होती है या अंडर मैट्रिक के भी होते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है दोस्त। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप सीख जाते हैं तो दूसरों को भी सिखाना आपका क्या बनता है, कर्तव्य होता है, यानी फर्ज बनता है। तो सो गाइस, स्टार्ट टुडे माय टॉपिक बेसिक टू एडवांस लेवल इन मैथमेटिक्स। सो प्लीज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। चले देखिए, आज का जो टॉपिक में पहली बात करेंगे कि किसी भी फाइनाइट नंबर पे पावर अगर जीरो होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा वन होता है, तो ये कैसे होता है, तो आज इस पे बात करेंगे। टॉपिक है बेसिक टू एडवांस का कि पहला क्वेश्चन यानी पहला स्टार पॉइंट यानी कोई भी संख्या के ऊपर जीरो होता है तो उसका रिजल्ट वन होता है, यानी फाइनाइट नंबर। जैसे एक्स है आपका फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। अगर ये फाइनाइट नंबर एक्स कोई फाइनाइट नंबर है, यानी आप ये जानो कि कोई भी फाइनाइट नंबर पे पावर अगर जीरो होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वन होता है, तो ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, एट फर्स्ट आप क्या लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिए प्रूफ में, लेफ्ट हैंड साइड x टू द पावर 0 इक्वल टू x टू द पावर आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। आप इजीली इसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर 1 माइनस 1, अगर एक को एक में घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप इजीली लिख सकते हैं x पर पावर 1 इंटू x टू द पावर माइनस 1, इजीली आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपके पास होता है बेसिक में होता है, जो भी फॉर्मूला मैं यूज करूंगा आपका साइड में लिख दूंगा, इसे जरूर केयरफुल करके समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट आप देखो कि कोई भी अगर बेसिक बेस सेम है, यानी इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर किसी का बेस अगर इस तरह का है कि x टू द पावर m माइनस x टू द पावर n, तो आप इजीली लिख सकते हैं x पर पावर m बाई n भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि x टू द पावर m बाई n इक्वल टू लिख सकते हैं x पर पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, और एक बात यहाँ पे बेसिक में सुन लीजिए, अब इसका भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे x पर पावर 1 है और इनटू में ये x जब आपके पास, एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो चलिए देखें यहाँ पे, अगर कोई भी संख्या या कोई भी फाइनाइट नंबर या किसी फाइनाइट नंबर पे पावर अगर नेगेटिव है तो वो नीचे आने पे वो क्या हो जाता है, उसकी पावर क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, यानी पॉजिटिव 1 हो जाता है। नेगेटिव 1 है तो नीचे आने से क्या बन जाता है, पॉजिटिव 1 बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इनटू में हो जाएगा 1 बाई एक्स ऊपर पावर 1 हो जाएगा, तो इसीलिए एक्स बाई एक्स इजीली लिख सकते हैं, ये कट गया तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1। इस तरह से आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड हो गया, आप इजीली लिख सकते हैं इसे क्या, प्रूव्ड। तो चलिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी फाइनाइट नंबर पे पावर अगर जीरो होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो आपने देख लिया कि x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये कैसे होता है, तो आपने इसका प्रूफ भी समझ गया। चलो दो चार एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट नंबर का एग्जांपल, जैसे मान लिया 5 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। कोई अगर आपसे दूसरा एग्जांपल में पूछ रहा है कि सर बताइए तो 100 पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, तो भी 1 होता है। तीसरा नंबर पे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर 150 टू द पावर 0 इक्वल टू, तो भी क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये चीज समझ लो कि कोई भी फाइनाइट नंबर पे पावर अगर 1 होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है दोस्त। इसीलिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मेरा पहला टॉपिक था जिसे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम लोग आज ये सीखने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं L टू R, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट।
लेफ्ट टू राइट टू या राइट टू लेफ्ट, इसे और एक साइन से आप समझ सकते हैं कि जैसे एल को अगर आप रिवर्सिबल करते हैं एन को आर में या आर को एल में, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो क्या होता है किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर, किसी भी संख्या, किसी भी फंक्शन, यानी आपको स्टडी जो करना है फाइव फंक्शन का, वो फाइव फंक्शन में से कोई भी फंक्शन हो अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन लो या सब्ट्रैक्शन, यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं इसे जोड़, जोड़ या घटा, घटाओ, यानी दोनों कंडीशन में अगर आप क्या करते हैं कि कोई भी संख्या को लेफ्ट राइट या राइट से लेफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। यानी जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई संख्या जैसे 5x प्लस 3 इक्वल टू 4 है और इस 3 को क्या करना है आपको राइट हैंड में लेके जाना है, तो आप इसे क्या करेंगे जैसे 5x इक्वल टू 4 माइनस 3 करेंगे, यानी अगर इसका साइन क्या है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। यानी आप इसे साइन समझ लीजिए कि अगर लेफ्ट टू राइट होता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से केयर करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में इस तरह की नौबत आती है, इस तरह की परेशानी आती है जिससे कि आप समझने में असमर्थ हो जाते हैं या आप समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो आप इसे देख लीजिए अब से ईजी हो जाएगा आपको समझना। जैसे आप और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल जैसे आपके पास 9x प्लस 6 y है और इक्वल टू 9 है और इस 9 को क्या करना आपको लेफ्ट हैंड में लेके आना है, तो इसका साइन को देखना, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पार आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे गैस 1-6y माइनस क्या करेंगे 9=0। सो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी टर्म को नेगेटिव टू पॉजिटिव कब होता है, यानी जब उसकी उसकी नंबर की लेफ्ट टू राइट यानी स्थान चेंज होता है, यानी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं होता है, तो उसकी साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है क्या कह रहा है कि नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको कहते हैं अंश बाय हर, और दूसरे में कहते हैं इसको, दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कहते हैं कि भाज्य और भाजक, यानी ऊपर वाले को हिंदी में भाजक कहते हैं, नीचे वाले को भाज्य कहते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को भाजक कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। उसी तरह से इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये मेरे बताने का मोटो यह है दोस्त कि इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या या किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन को जब हम लोग नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू नॉमिनेटर करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है क्या कि नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर, यानी नॉमिनेटर का शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं NR और टू डिनोमिनेटर DR लिखते हैं इसको, यानी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे, हिंदी में लिख सकते हैं अंश और टू हर लिख सकते हैं कि अंश में हर या हर टू अंश, हर टू अंश, अंश, इन दोनों स्थिति में इसका कंडीशन क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपके पास अंश से हर में और दूसरा है हर से अंश में, इसको भी हम लोग लिख देते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिखते हैं और फिर टू में क्या लेते हैं नोमिनेटर लिखते हैं। तो चलिए देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है कि जब आप किसी भी फंक्शन या किसी भी संख्या को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में करते हैं तो उसके पावर का साइन, पावर का चिन्ह चिन्ह चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हो जाता है मतलब किस में चेंज हो जाता है, इस चीज को देखेंगे, यानी पावर का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू क्या होता है नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में
चेंज हो जाता है। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, पावर का साइन चेंज होता है, यानी पावर में कुछ भी रहो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फाइव हो, सिक्स हो, उनकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही केयरफुल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, पहला है एग्जाम्पल, जैसे एक्स पर पावर फाइव बाई y पर पावर 3, अगर मुझे क्या करना है कि y को हम लोग को क्या बनाना है, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर है तो वो नोमिनेटर बनाना है, तो इनके पावर क्या है, 3 है, 3 में क्या है, साइन पॉजिटिव है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे हो जाएगा 5 और इनटू में y पर पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपके पास हर में था उसको मैंने अंश बना दिया। जब अंश बनाते हो तो उसके पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चले गए से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 और इनटू में 5 पर पावर y पर पावर क्या हो जाएगा, -3। नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके पास मान लिया कि 5 पर पावर 2 है और बटे में आपके पास क्या है, x पर पावर 3 है, तो जब इसको क्या करते हैं हम लोग, x को ऊपर करना चाहेंगे तो 5 पर पावर 2 तो रहेगा ही, और जब ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी अगर इसका साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, तीसरा नंबर पे, जैसे कि आपके पास अगर y बटे x पर पावर -4 है, क्या है, -4 है, और इसको हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाना है, तो यहाँ पे आपके पास y तो गुना होगा ही, x जब ऊपर जाएगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो ऊपर में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर चौथा नंबर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बाय द वे आपका x पर -3 है और इसको अगर नीचे, आप कुछ भी जानते हैं अच्छी तरह से क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसे नीचे लेके आएंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यानी जब भी किसी भी संख्या के पावर को नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, यानी कोई भी संख्या को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जब चेंज करेंगे तो उसका पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चले गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीपल टू डिवीजन या डिवीजन टू मल्टीपल। अगर किसी भी संख्या को अगर आप लेफ्ट टू राइट करते हैं तो क्या चीज़ में चेंज होता है, इसी चीज़ को देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या को आप क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, अगर वो मल्टीपल में है तो किस में बदल जाएगा, डिवीजन में, और डिवीजन में है तो किस में बदल जाएगा, मल्टीपल में। तो चलिए इस पर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतनी ही शॉर्ट आपको इतनी अच्छी तरह से बताया जा रहा है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सिर्फ एक बार वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, सारी क्वेश्चन आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी बहुत ही इजी में। तो चलिए देखिए यहां पे कि अगर कोई भी संख्या को लेफ्ट टू राइट करते हैं और वो है कंडीशन मल्टीपल, तो डिवीजन में बदल जाएगा, अगर डिवीजन है तो किस में बदल जाएगा, मल्टीपल में बदल जाएगा। तो चलिए देखिए यहां पे 5x इक्वल टू अगर 3 है तो सपोज कीजिए कि इस जगह पे 5 क्या है आपका मल्टीपल में है और ये चल जाएगा राइट हैंड में, अगर लेके जाते हैं नहीं राइट हैंड में, लेफ्ट से राइट में, तो ये मल्टीपल किस में बदल जाएगा, डिवीजन में। लिखा हुआ ही है कि मल्टीपल डिवीजन में, और डिवीजन किस में, मल्टीपल में। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर आपके पास x बटे 3 है और इक्वल टू 5 है और इस 5 को यानी लेफ्ट से आपको क्या ले जाना है, राइट में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे। ये क्या है आपके पास, डिवीजन में है, ये डिवीजन में है, डिवीजन से किधर आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 3 15, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। इस तरह से ये भी इसका क्या हो गया आंसर। चाहे कोई भी कंडीशन हो, डिवीजन है तो मल्टीपल और मल्टीपल है तो डिवीजन, लेफ्ट टू राइट करने पे। तो आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए गाइस, अब हमारा जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्त, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके बेसिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जरूर इसको 100% समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि सर मुझे ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा और 100% आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ये आपका SM मैथ क्लासेस का वादा है, तो इसीलिए जरूर इसको समझने की कोशिश करेंगे।
टॉपिक है आपका पावर टू लेफ्ट टू राइट, यानी पावर जो लेफ्ट टू राइट होता है तो क्या होता है। बहुत ही बेसिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स को आप देखने जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपने स्टैंडर्ड 9th का लो, 10th का लो, 11th 12th लो, या आगे जितने भी क्लासेस हो, सारे क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका कहने का मतलब है कि पावर जब लेफ्ट टू राइट होता है तो क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब पावर लेफ्ट टू राइट होता है, जब पावर लेफ्ट टू राइट होता है तो क्या होता है, तो पावर हमेशा लेफ्ट टू राइट में या राइट टू लेफ्ट में दैट में पलट जाता है। क्या होता है, पलट जाता है। अब कैसे पलटता है तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखें यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ये एक्स बराबर 3 है और यहाँ पे आपके पास 5 है, तो ये 3 जब आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 3 अगर ऊपर में है तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास, लेकिन वो सिर्फ पावर में ही रहेगा, पावर लेफ्ट टू राइट होता है। तो जब एक्स को फ्री कर रहे हैं आप, तो आपके पास 5 to the power क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये को एग्जांपल जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास x टू दी पावर 5/3 है और इक्वल टू 9 है, तो अब इसको जब इस पावर को लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो ये क्या होगा, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 पर पावर, ये पावर क्या होता है, पलट जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया। और एक नोट करने वाली बात है कि अगर आपने कैसा किसी भी संख्या को, अगर स्क्वायर है और यहाँ पे अगर आपके पास 1 है, तो आप इजीली कहते हैं क्या कि इस स्क्वायर जब क्या होता है राइट हैंड में जाता है तो ये रूट में बदल जाता है। तो रूट में क्यों बदलता है, इसका भी रीज़न होता है कि एक्स इक्वल टू 1/1/2 हो गया, क्योंकि पावर क्या होता है, पलट जाता है। इसीलिए इसको क्या नहीं कह सकते आप कि पलट जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, 1/2। अगर ऐसी बात है कि x पर पावर 1/2 जब भी होता है, यानी कोई भी संख्या के ऊपर 1/2 हाफ जब होता है, तो उसको इजीली आप लिख सकते हैं रूट लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। हाफ कहने का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 2 क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। सिर्फ इसकी पावर, इसकी कंडीशन क्या होती है कि 2 ही को वो छिपा सकता है, अदरवाइज वो क्या करेगा, डिनोटेड करेगा ही। हाँ, तो चलिए देखिए गाइस, हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो है क्या कि रूट अंडर, यानी आपके पास अगर कोई भी संख्या स्क्वायर अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो रूट मतलब पावर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उस रूट कहलाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि आपके पास अगर ऐसा रहे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कभी कभी आप देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो आपने ये जानता है कि रूट का मतलब होता है कि पावर में हाफ, तो ये रूट है। और फिर यहाँ पे आपके पास 3 है तो ये आपके पास 1/2 में बदल जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, आपके पास 2 है तो एक्स पर पावर 2 तो होगा ही। और इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, तो इसको इजीली लिख सकते हैं एक्स पर पावर 2/3। जैसे कि सपोज आपने अभी सीखा कि एक्स स्क्वायर को अगर आपके पास रूट अंडर एक्स है तो इजीली इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर पावर में हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए बटे में 2 हो गया, और इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसीलिए 1/2। और इस जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो 3 है तो 1/3 होगा ही, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो इसीलिए आपने क्या किया, 2/3/2 ने एक्स पर पावर 2/3 कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आप तीसरा समझने की कोशिश करें, अगर ये समझ जाते हैं तो फिर तीसरा भी समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या एक्स पर पावर 5 है, तो इजीली देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्स पर पावर 5, तो आप आंख बंद करके एक्स पर पावर 5 लिख दीजिए। और यहाँ पे जैसे रूट का मतलब पावर में हाफ, तो यहाँ पे 4 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/4, तो इजीली लिख सकते हैं एक्स पर पावर 5/4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक था आपका हायर मैथमेटिक्स में, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फिर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या को
संख्या को जीरो से भाग देते हैं, जीरो से भाग देते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा। चलिए देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या को अगर जीरो से आप भाग दे देते हैं, कोई भी संख्या दुनिया का नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी संख्या हो, अगर आपने जीरो से इसे भाग दे दिया तो इसका रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटिव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, इन्फिनिटिव में बदल जाएगा, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, इस साइन को कहते हैं हम लोग इन्फिनिट, आई भी लगा दो तो इन्फिनिटिव कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित कहते हैं हिंदी में। अगर कोई भी संख्या हो, अगर आपके पास जैसे इस एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर आपने इस जगह पे देख लिया कि 5/6 अगर 6 जीरो कर देते हैं तो भी आपके पास इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिव संख्या अगर ले लेते हैं जैसे -6/0 कर देते हैं तो भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास, अगर किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो क्या होगा, ये सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर जीरो को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, अगर जीरो को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कि अगर जीरो को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अगर जीरो को, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से भाग देते हैं, संख्या से भाग देते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर किसी भी, अगर जीरो को किसी संख्या से भाग दे देते हैं तो क्या होगा। जीरो को जैसे एग्जांपल के लिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि 0/9 तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, अगर आपके पास 0/ कोई भी हो जाए कि -11 तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हुई कंडीशन कि अगर किसी भी संख्या, अगर जीरो को किसी संख्या से भाग देते तो उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी संख्या को अगर जीरो से भाग देते तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे साइन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन में साइन को समझेंगे, यानी वो जो प्लस माइनस जो चिन्ह होता है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एडिशन में देखेंगे पहला क्या है, एडिशन, एडिशन में देखेंगे यानी जोड़ में समझने की कोशिश करेंगे, किस में, जोड़ में समझने की कोशिश करेंगे, एडिशन में। तो पहला, अगर आपके पास कोई संख्या प्लस है और कोई संख्या के आगे अगर प्लस है और फिर उसको प्लस के साथ अगर प्लस ही करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर कोई संख्या के आगे सामने अगर माइनस है और उस संख्या को अगर जोड़ते हैं, दूसरा संख्या के आगे भी अगर क्या है, माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, प्लस, यानी दोनों संख्या के बीच में अगर माइनस है तो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एडिशन का कंडीशन है। और नेक्स्ट में अगर आपके पास पहले प्लस माइनस है, उसके बाद प्लस कर रहे हैं, माइनस प्लस को अगर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट माइनस हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास अगर प्लस प्लस माइनस को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चले गए इस पे एक एग्जांपल, जैसे 5+5 कर रहे हैं तो आपके पास 10, क्योंकि इस संख्या के आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस, तो दोनों जुट गया तो क्या हो गया, आपके पास प्लस हो गया। और फिर नेक्स्ट आपके पास अगर इस संख्या के आगे माइनस है और इस संख्या के आगे भी माइनस है, यानी ये माइनस है अगर ये बीच में प्लस और फिर इस संख्या के अगर दोनों के बीच में क्या माइनस है तो आप क्या हो जाएगा, दोनों संख्या माइनस माइनस जुट जाएगा, तो यहाँ पे 95 एडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 होगा, लेकिन साइन में क्या हो जाएगा, माइनस में, लेकिन ये जुट रहा है, एड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एडिशन की कंडीशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर आपके पास -5 है और +9 है तो इन दोनों को जब क्या करोगे, आप जोड़ोगे तो इन दोनों का डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसमें प्लस, डिफरेंट साइन रहने पे माइनस होता है, तो इस जगह पे रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, +4 हो जाएगा, बड़ी संख्या का साइन हमेशा लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास अगर +9 है और फिर माइनस में 10 है
माइनस में 10 है, देखो यहाँ पे पहले क्या है प्लस है बाद में माइनस है, तो इन दोनों को जब क्या करोगे जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कैपिटल नंबर का साइन को लिखा जाता है। ये था आपके पास एडिशन के लिए। अब हम लोग गैस समझने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन यानी इसे कह सकते हैं गुना कह सकते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में इस पर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चले गए इस मल्टीप्लीकेशन में, अब लिखा कंडीशन क्या होता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन है अगर प्लस में प्लस गुने प्लस इक्वल टू होता है आपके पास प्लस, अच्छा आपके पास अगर माइनस गुने माइनस होता है तो भी क्या होता है प्लस, अगर माइनस गुने प्लस होता है तो माइनस, और माइनस प्लस गुने माइनस होता है तो इसका रिजल्ट भी क्या होता है माइनस। तो ये आप गाइस हो गया है कि आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन में साइन होता है। तो चलिए इस पे भी एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक एक एग्जांपल यह हो जाएगा कि अगर आपके पास प्लस प्लस फाइव है तो क्या हो जाएगा, दोनों को एडिंग करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। अगर आपके पास माइनस फाइव है, दोनों को माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो 25 हो जाएगा। अगर माइनस वन है गुने प्लस फाइव है, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस फाइव हो जाएगा। अगर माइनस नाइन है और फिर यहाँ पे आपके पास ना प्लस नाइन है माइनस थ्री है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा 79। ये हो गया आपके पास प्लस एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। चले गए हम लोग डिवीजन में समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन यानी आपके पास जो डिवीजन होता है वो होता है हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग, भाग लिखते हैं। तो जब आप किसी संख्या ना किसी साइन को प्लस माइनस बटे में रहता है तो क्या होता है, अगर आपके पास माइनस बटे में माइनस होता है यानी माइनस डिवाइड माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या होता है हमेशा प्लस में होता है, प्लस साइन का होता है। नेक्स्ट आपके पास ये अगर आपके पास प्लस बटे में प्लस होता है तो इसका साइन भी हमेशा क्या होता है प्लस ही होता है। अगर माइनस बटे में प्लस रहे तो इसका साइन माइनस होता है। अगर आपके पास अच्छा रहे कि प्लस बटे में माइनस रहे तो इसका साइन भी हमेशा क्या होता है आपका माइनस ही होता है। और एक बात यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे कि डिनोमिनेटर में साइन को लिखेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव होता है। और नोमिनेटर का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। चलिए गाइस अगर किसी भी संख्या को आप सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे माइनस फाइव है यानी अगर आपके पास फाइव बाय माइनस सिक्स आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इस साइन को आप बीच में यूज कर सकते हैं यानी फाइव बटे सिक्स कर सकते हैं, माइनस फाइव बटे सिक्स कर सकते हैं, या ऑलरेडी ऊपर में भी लिख देंगे तो भी आपके पास ये हो गया सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये रहे तो आप कभी भी इस तरह का नहीं लिखेंगे, हमेशा नोमिनेटर में क्या लिखेंगे साइन को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखेंगे। या जैसे इक्वल वाले साइन इक्वल के सामने भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ केयर करेंगे कि डिनोमिनेटर में साइन का नेगेटिव होना नहीं चाहिए, हमेशा नोमिनेटर में ही होना चाहिए। तो चलिए गाइस आज का क्लास यहीं तक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक मैंने बताया, ये 11 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अदरवाइज जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके मैथ के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को जरूर अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे।